हाय, आज हम बनाएंगे समोसा विद कोकोनट और कज्जिकायलु। यहाँ पर मैंने ग्रेटेड कोकोनट में थोड़े से काजू, किशमिश, शक्कर, बादाम डाल दिए हैं और थोड़े से खसखस भी डाले हैं। अगर आपको पसंद है तो थोड़े खसखस ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये हमारा स्टफिंग है, इसको कोई मेजरमेंट नहीं रहता, बस ऐसे ही सारे के सारे हाफ हाफ कप ले लीजिए, मतलब हाफ कप काजू, हाफ कप किशमिश। ये है हमारा स्टफिंग। अब हम आटे को मिलाएंगे। मैं यहाँ पर 3 कप मैदा ले रही हूँ। इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी ऐड कर लूँगी और 1 पिंच साल्ट डाल देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिलाइए। अगर आप चाहते हैं तो आप मैदे जो मिक्सचर हमने बना कर रखा है उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रोस्ट कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम इसको ऑयल में तल लेंगे, काफ़ी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा वाटर डालते हुए रोटी के डव के जैसे बना लेंगे। देखिए, बन गया हमारा आटे का डव। यहाँ से मैंने छोटे नींबू के साइज इतना आटा लिया हुआ है, छोटा डम्पलिंग। अब इसको हम थोड़ा सा मैदा डालकर बहुत पतला बेल लेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला आप बेलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अगर ये मोटा होगा तो इसमें जो स्टफिंग है वो अंदर तक नहीं पकेगा। इसके बाद हम जो ये समोसे का ये बनाने वाला मिल जाता है आपको आराम से, इसमें हम हमारा आटा प्लेस कर लेंगे, सॉरी जो बेला हुआ है रोटी उसको हम प्लेस कर लेंगे और थोड़ा सा ऐसे दबाकर जितना आप रख सके उतना मिक्सचर हमारा रख लेंगे। और ये जो एडजेस आप देख रहे हैं इस पे हम थोड़ा सा वाटर अप्लाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। अब इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे और ये कैप को लगाकर अच्छा प्रेस कर लेंगे अंदर से टाइटली। अगर आपके पास ये इक्विपमेंट नहीं है समोसे वाला तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा से हम उसको निकाल लेंगे। देखिए, निकाल लिया मैंने एक्स्ट्रा को और ऐसे ही सारे के सारे समोसे हम बना लेंगे। चेक कर लीजिए ताकि कोई होल्स ना हो, वरना ऑयल इसमें चले जाएगा। अब मैं आपको बिना इक्विपमेंट के बनाना दिखा रही हूँ। बस इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि एडजस्ट जो है वो बहुत ही पतला होना चाहिए। अब इस पर हम वाटर लगा लेंगे सारा एडजस्ट में। स्टैंड होने से क्या होता है कि सारे के सारे समोसे जो है वो इवनली होते हैं, एक ही साइज़ एक ही शेप में। अच्छे से इसको हम सील कर लेंगे। देखिए, अच्छे से दबाइए या फिर आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। ये देखिए, मैंने पूरा सील कर लिया। ऐसे ही हम सारे के सारे बना कर रख लेंगे समोसे पहले। अब एक डीप फ्रिजर में डीप फ्राई के लिए ऑयल को गर्म कर लीजिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और 1 बाय 1 समोसों को हम प्लेस कर लेंगे धीरे से। देखिए, ये ब्राउन हो चुके एक साइड, अब हम दूसरे तरफ भी इसको ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। ये ज़्यादा ऑयल नहीं लेता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, बस दोनों साइड्स पे 2-2 मिनट के लिए हम तल लेंगे, काफ़ी है। दोनों तरफ हल्के से ब्राउन होने के बाद हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में। अब इसको हम एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। ऐसे एयरटाइट कंटेनर में ठंडे होने के बाद आप स्टोर कर लीजिए। इसको आप आराम से 2-3 वीक्स तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, सारा प्रोसेस समोसा बनाने में है, तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ट्राई ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पसंद आने पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।